हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधेश्याम मूवी के बारे में। राधेश्याम ये जो फिल्म है, ये 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका इंतज़ार लोग जो है बहुत दिनों से या बहुत महीनों से कर रहे थे। ये फिल्म जो है आज 11 मार्च को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है रिलीज़ हो चुकी है। आज हम इसी मूवी के बारे में रियल फर्स्ट डिक्लेरेशन जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फिल्म है, इस फिल्म के फर्स्ट डिक्लेरेशन के बारे में कोई बता रहा है कि इस फिल्म में 60 करोड़ की कमाई की, तो कोई बता रहा है 70 करोड़ की कमाई की। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस मूवी ने रियली अपने फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन किया है। तो इस वीडियो तक आप ज़रूर अंत तक बने रहना। तो राधेश्याम ये जो फिल्म है दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो राधा कृष्ण कुमार ये है। इस फिल्म के अगर हम लीड कास्ट की बात करें तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें प्रभास के साथ पूजा हेगड़े जो है एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई है। इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म का पूरा जो एकदम मतलब टोटल जो बजट है वो 350 करोड़, मतलब 350 करोड़ रुपीज़ है। और अगर इस फिल्म के हम फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में ये फिल्म लगभग आज नाइट के शोज़ को अगर हम पकड़ ले तो लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच कलेक्शन कर रही है। और तेलुगु में देखिए तो तेलुगु में इस मूवी का कलेक्शन जो है वो पूरा 40 to 45 करोड़ रुपीज़ आ रहा है। और टोटल वर्ल्ड वाइड में अगर हम इस मूवी का कलेक्शन देखें फर्स्ट डे का, तो ये फिल्म अपने फर्स्ट डे में जो कलेक्शन कर रही है पूरा वर्ल्ड वाइड में वो 60 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।